हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रश्न 25। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझिए प्रश्न को पहले। एक घड़ी की मिनट की सुई बोल रहा है, ठीक है, आप ध्यान देंगे। मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक घड़ी है और इसमें मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी क्या बोल रही है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में अगर काटा घूमता है, ठीक है, मान लेते यहाँ से ये यहाँ चला जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना क्षेत्रफल यहाँ पे एरिया घेरा, सो हमको बताना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, ये जो दिया हुआ मिनट का जो है सुई है, ये क्या है, त्रिज्या को मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। तो आर बराबर कितना दिया, 14 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमको पता है कि जो मिनट का सुई जो होता है, एक बार पूरा राउंड घूमने में, यानी एक चक्कर लगाने में, ठीक है, कितना समय लेता है, 60 मिनट। और कितना डिग्री कोण बनता है, हम जानते हैं एक वृत्त जो होता है, पूरा गोला होता है, वो कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना बन गया, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा तो 360 डिग्री कोण बनाती है, यानी 60 मिनट में, ठीक है, मिनट की सुई 360 डिग्री कोण बनाती है। क्लियर हो गया। अब बोल रहा है एक मिनट में, एक मिनट में मिनट की सुई कितना होगा, 360, ये 60 क्या होगा, बटन चल जाएगा, तो 360/60 बराबर 6 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। ये 0 0 काट देते हैं और 6 6 36 कट गया, कितना आया, 6, यानी एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। तो 5 मिनट, 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट 6 5 30 30 डिग्री कोण बनाती है, यानी ये कोण कितना बना, 30 डिग्री का। अभी 30 डिग्री कोण बन गया, ठीक है। तो एरिया किस टाइप से ही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं, हम जानते हैं इस टाइप से रहता है जो, ठीक है, इस तरह का एरिया हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, त्रिज्याखंड, ये क्या हो गया, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को फॉर्मूला में हम इसको बैठा देंगे, क्या लिखते हैं, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ये फॉर्मूला हो गया। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो पाई की जगह पाई का मान यहाँ 22/7 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ऊपर 22 नीचे 7। यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 14 दिया हुआ, तो आर का स्क्वायर मतलब 14 × 14। यहाँ पे थीटा है, थीटा जगह पता है कितना डिग्री कोण बना हुआ, यहाँ पे कितना डिग्री कोण है, ये 30 डिग्री कोण है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बात है, 30 बात है, बटम कितना, 360, तो बटम 360 है, तो बटम 360 देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो इसको हम 0, इसको 0 काट देते हैं, ठीक है। फिर 3 से भाग देते, 3 से काटते इसको, 3 × 3 3 × 2 6, यानी 12 बार में ही कट गया, ठीक है। अब इसको फिर काटते हैं, 12 का आधा कितना हो गया, 6, और 22 का आधा यहाँ पे काटते हैं तो 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 7 × 14 कट गया 2 बार में, ठीक है, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 14 दिया हुआ, ठीक है, तो 6 का आधा कितना होता है, 3 काट देते हैं, और 14 का आधा 7, यानी 2 से भाग दिए, 2 × 3 6 2 × 14 कितना बच गया, 11 × 2 × 7, यहाँ पे लिखते हैं 11 × 2 × 7, और नीचे कितना बचे, 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, ठीक है। अब जब तीनों को हम गुना कर देते हैं तो कितना आ गया, 154, और नीचे में 3, ठीक है, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकल गया, एरिया हमारा, यानी जो क्षेत्रफल घेरता है, ठीक है। अगर